साजन स्टूडियो पेश करते हैं सारे जाप तो गुरु दी जात वड्डी ते दया बड़ी है बड़ाई अपकार नालों भावे कितने वेद पुराण पढ़ ले अमल बड़ा है सोच विचार नालों बिच आ गए ने सतकार सारे ते बचन मनना बड़ा सतकार नालों ऐसा होर नी आनंद दरबार संगा इंतजार में नंदा दीदार नालो इंतजार में नंदा दीदार नालो जी जाद जिन्ना दी खुश रखे जेकर होण प्यार तहोण ऐसे राज जिन्ना दे दिलां दा एक होवे जेकर होण दिलदार तहोण ऐसे जीदे दर तो मुड़े ना कोई खाली जीदे दर तो मुड़े ना कोई खाली जेकर होण दा तार तहोण ऐसे सांझे सबना दे दरबार सिंगा जेकर होण अवतार ता होण ऐसे जेकर होण अवतार ता होण ऐसे आन जो सकार जो गुरसंग जियो दसम बोलन दी दियो परवानगी बुलाओ फते वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। आप स्वामी दरबारा सिंह जी दी जिन्ना तक तेरी बड़े मान की रहमता तेरिया ने नजर तई जागर रवीर तेरी नूरी हुस्ना बाल दरबार सिंगा मेरे पास दिल दे तस्वीर तेरी मेरे पास दिल दे तस्वीर तेरी। अज असी आप जी के पावन चरणों में लोगों के उस दरबार की महिमा पेश करनी है जिस दादी उपमा शेषनाग ऋषि मुनि योगी जंगम कवि कपीशर वेद व्यास वर्गिया ने महिमा लेके ग्रहण किया। स्वामी दरबारा सिंह ने श्री रामचंद्र श्री कृष्ण जी गुरु नानक साहब इस आप अवतारा की रीति अपनाई जिस दातों राष्ट्रों देवतों की पदवी मिली और जाने लोगों पुत्रा दिया दातां मिलियां जिन्हों दिया ठंडिया नदर ने कागां नूं हंसां दे सिखा दिते। वह महान हाथी स्वामी भगत सिंह जी स्वामी मैत सिंह जी स्वामी दरबारा सिंह जी स्वामी जोरा सिंह जी महाराज के पावन चरणों में काव कला वरदान करने वास्ते गुरु वाचन साहब हम अज्ञान अंत मत थोरी तुम अपना गदर खावो दो कर जोर करो अरदास सुन भावे का आवे रात पहली कविता राही दास का जत्था अज बेनती क्यों पेश करदा ਤੇਰੀ ਅੱਖੀ ਤੇ ਕਦਰ ਦੀ ਦੇ
ਸਤਗੁਰ ਦੀ ਲਾ ਤੇਰੀ ਦੇ ਹਾਜੀ ਚਰਨ ਤੇਰੇ ਦੇ विराजमान हुए लोगों साथियों ने प्रेम भावना के नाल जल भोजन कराया तब गुरु छेवें पातशाह जी पाठ बोल करके थी कि लोगों में पांच वीर महाकालों तक मौजूद रहेंगे जिन्हों में चार गोबिंद एक यम रहेगा उन्होंने पंजाबियों में पैगंबर स्वामी दरबारा सिंह ने जिन्हिया भी कड़िया इस संसार उत्ते गुजारियां उन्होंने दुखिया सुखी करने का यत्न किया खट कलमां में पूरे रहे पांच पावरी का लेख है खेवा अहिंसा दया मिल सत वचन का बदान तीन पांच त्रिक नागन धर्म दस लग जाए उन्होंने पावन चरण शीश नवाण वाला इन्हों दसा चिन्हों का धारणी हो गया उस खिलाही जो भी दास सेवता नहीं कर सकता पर फिर भी सतगुरु के अनुसार पेश करते हाँ कि कभी कभी ने ऐसा फूल फैसा है जिस नाल सारा चमन ही मैं डूबता है जिमें अयोध्या श्री रामचंद्र जी मथा जन्माष्टमी श्री कृष्ण जी ने अवकाश आया ऐसे ही 1930 पूर्व की सतमी माता चंदकौर की पावन कुखों ऋषि शेर सिंह के घर स्वामी दरबारा सिंह ने अवकाश आया सबका ने सिफत करी नाथ ने बधाइया बनिया विश्वकर्मा ने फोटो रचा लोगों की पावन धरती से जिमें नूर दिया झलक नूर दिया कैदा खिलाईया स्वामी जी ने नूरी प्रकाश जी का प्रजथा क्यों रखा I'm
अति उच्च शान है जस तोले राजी दी भले ने तेरा जलाया वे दिया दारिया लोको तेरा के नूरी कहना खलाया लोको तेरा के नूरी। ऐसे ही स्वामी दरबारा सिंह जी ने अवतार बारे जग पाओ ने संदेश दिते ਤਾਰੀਖੀ ਲੋਕ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਤਪਸਵੀ ਸਵਾਮੀ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਜੋ ਅਵਤਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਰਸੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਸਵਾਮੀ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਨ ਪਰ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਮੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਯੋਗ ਗੁਰਸੰਗਤ ਜੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 10-11 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਮ ਗਿਆਨੀ ਸਵਾਮੀ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਸੋ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਜਿਤੜੇ ਰਾਰ ਇਹਦੇ ਚੰਨ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਉਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਚੰਨ ਪਾਸੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਗੁਰੂ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਤ ਨੈ ਕਾਮੀ ਤਸਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਵਾਮੀ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਵਾਮੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੱਥਾ ਇਉਂ ਵੇਖ ਕਰਦਾ। ਫਕੀਰੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਲੱਗੀ ਖੰਗੂਰ ਹੈ, ਚੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤਾਰ ਹੈ, ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਚੱਕਣਾ ਚੂਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਵਾਮੀ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਪਾਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਪਰ ਇੱਕ ਫਨੀਅਰ ਨਾਗ ਸਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਆਇਆ।
सारी संगत क्यों कह रही थी कि इस शख्स ने जिस नु दस दिता उस पानी नहीं मंगन देगा। कोई पद्म नाग आखे कोई काली नाग भी कोल विचों दसदा सी एक बाहो का ही बोल रहे थी कि इस नाग के नेड़े जाना मौत को सुनेहा देना है। फिर जोगी राज मैत सिंह ने कहा पंडित उस नाग को फड़ के मेरे पास लियाओ। स्वामी मैत सिंह जी महाराज स्वामी दरबारा सिंह बाल उम्र में ही पंडित कह के पुकार दे सत वचन मन के स्वामी दरबारा सिंह जी हंसरी तौर तुरते हुए क्यों जा रहे थी जिमें श्री कृष्ण भगवान यमुना विचों काली नाग नू नसन जा रहे हो। जब नाग के नेड़े गए हाथ पाउन लगे जो योगी राज की माया थी वह अलोप हो गई उसे कुछ भी नजर ना आया। तां धन धन स्वामी मित सिंह जी ने अपने चित नूं सीर पा दित्ती ते कहा पंडित तू पाप पवित्र हो गया। फिर फरिश्तिया ने जिवें फुल्लां की वर्खा की उस वेले का बालण भाई कलदीप सिंह मलैणा परमजीत सिंह लोगो दास राय सिंह लखे का जथा इउं पेश करता है। ਹੋ ਆਕੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਚੰਦਾਗ ਬਣਾਇਆ ਸੋਤੀ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਪਾਰ ਪਾਰ ਬਾਪ ਦਾ ਮਾਰ ਜਾਇਆ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਗਿਰ ਕੈਸਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸੰਤਰ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਖਾਵਣ ਆਇਆ ਹੋ ਪਾਲੀ ਨਾ ਜਾ ਰੂਪ ਤਾਰਿਆ महाराज स्वामी जी कह लगे पंडित तेनू अज उस पौड़ी उपर चढ़ना है जिस पौड़ी उपर पूर्ण गुरु की कृपा तो बिना गुरु वार संसार गुरु की पौड़ी चढ़े ना कोए पूरा गुरु भाग प्राप्त होए। लोगो स्वामी भगत सिंह जी के स्थान पर एक बोर का दरख्त थी जो अजे भी मौजूद है उस उपर चढ़ने लई स्वामी मित सिंह जी महाराज स्वामी दरबारा सिंह हुक्म इउं दिंदे सी ਹੋ ਜਪ ਬਣਿਆ ਤੇ ਜੀਵਣਾ ਤੇ ਆਪ ਜਪ ਮਰਨਾ ਬਸ ਜੋ ਹੋਰ ਸਰਦਾ ਮੈਂ ਰੋਸ਼ੇ ਕਰਨਾ ਬੈਠੇ ਸਤਗੁਰ ਸੋਚ ਦੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਚਾਹੀਏ ਦੁਨੀਆ ਦਾਰ ਨਵਾਜ ਤੇ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਬਣਾਈਏ ਹੋ ਰੰਗ ਚਲਾਈਏ ਸਰਬ ਦੀ ਇਹ ਮਤਾ ਪਤਾਇਆ ਕਰ ਜਪਣ ਤਾਂ ਰੋੜ ਤੇ
ਨਾਰਸੀ ਜਗਤੇ ਖਬਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸੀ ਕੀ ਖੇੜੇ ਜਾਈ ਨਾਰਸੀ ਦੇ ਮੰਦਦਾ ਹੋ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਚਰਚਾ ਪੰਡਤਾ ਬੋਲਦੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਸੜਾਇਆ बचन जब पातशाह करके पातशाह विराजमान होने लगे उस टाणी से तो मान योग संघ जी और टाणी टूट गई। स्वामी दरबारा सिंह जी महाराज हेठा जमीन उपर आ डिगे। धन धन स्वामी मित सिंह जी ने अपने कंठ के नाल लाया ते बरदान दिता कि पंडित तेरे चरणों में गंधर्वां दे दरबार लग्या करन। अलमस्तर की स्वामी मित सिंह जी महाराज अपनी माटी विच विराजमान सी तो आकाशवाणी हुई जदों नेत्र खोले फिर दरबारा सिंह नूं रजो सतो तमो विधांत दीआं बातां ब्रह्म ज्ञान दीआं डूंघीआं रामजा समझाउण लगे। जैसे नीति में अंकत है बम संतोख ना हो तो तपना खिमा सम जान ब्रह्म ज्ञान सम दान ना है धर्म ना दया समान। जब ऐसे प्रवचन कर रहे थी तब स्वामी दरबारा सिंह जी ने बेनती करी कि महाराज जी जो ब्रह्म ज्ञान दास नो बख्शा है तो कृपा करके खलकत से मेहर की दृष्टि करो खलकत नो बख्शो। फिर स्वामी मित्र सिंह जी बोले साधु बोले सर सभाए साधु का बोलिया व्यथा ना जाए कि हाँ पंड जो सानू अकाल पुरख का हुक्म सी तो परम ज्ञान तैनों बख्शता असे असी अपना फर्ज अदा किया। फिर स्वामी मित सिंह जी ने अपने अंदरला गुरमुख भेद प्रगट किया कि हाँ पंडित सारी दुनिया की विद्या का सेंटर लोगों विच होवे। हुण योगी राज स्वामी मित सिंह जी सतगुरु दरबारा सिंह नूं लोगों विच परम ज्ञान का केंद्र बनाउण वास्ते हुक्म इउं दिंदे ने। ਦਗੰਬਰ ਮਸਤਰ ਰਾਜੀ ਸੀ ਪਾਣਾ ਹੱਸੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਜਨ ਸੇ ਖੁਦ ਬਬਵਾਨ ਦਾ ਜਬ ਕੋ ਬੁਰੀ ਬਣਾ ਦੀ ਖੇਲ ਬਰ ਬਰ ਮਗਿਆਰ ਦਾ ਤੇਰੇ ਸਰ ਤਕਲਾ ਪਰ ਪੂਰੇ ਤੂੰ ਸਰ ਤਕਲਾ ਪਰ ਪੂਰੇ ਨੂਰ ਦੀ ਜੋਤ ਰਾਹੀ ਸੀ ਉਹ ਤਨ ਦੇ ਤੁਝ ਕੋ ਜਸ ਮੰਜਲ ਦਾ ਰਾਹੀ ਸੀ ਹੋ ਬਾਬਾ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਦੇ ਸੇ ਦੇ 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 ਦੇ
दर्द ना देना देवाने पार जनाए ते मर अंदर महबूब पार दे रम जी जाए ते और चरण कमर चौबा जिला पद दरबारा रोकोड़ी बड़ा भी बर बर मदरा तेरी काल कसर जमारे अर्शी लाए ने देव तुरी दे नक्शे लोटे दच्च बनाए ने आज ये भरमा विष्णु बलराजे परमत दारा लोको बुरी बना दी सुंदर भरम गया थे गौशाला दी रजनी थे गौशाला दी रजनी आदमिया तो जारी है संगल धर्म बनाई है ऐसा जन्म जन्म दारे भगवान दर्शन दाना देखो बुरी बना दी इंद्र बर मंगलाना हरे हरि अल्लाह ने रचना सुतम रची दारे सुतने हर के नाम वल्लभ दारे ही सारे तोड़े तोड़ी बड़े सबने दर्शन दाना देखो बुरी बना दी इंद्र बर मेरा हो संगत दे सतगुर दुआर दिया अब का चरण शाजली दा होना मेहरबान दा लोको बुरी बना दी ते दरबार मगियार दा ऐसे ग्रंथम पौतर का अनुभव बाद दोड़ा छलन दी विचार की थी साथी खंड में कौन सा ज्ञान तो पहला स्वामी दरबारा सिंह ने कोल बैठा के कहा कि पांडव ये पांच पौतक शरीर मिथ्या है आभास है परंतु राम का नाम है पांडव चोला बदलना ही ठीक है। स्वामी दरबारा सिंह ने जब ये वचन सुने ते कहने लगे महाराज सानू तेरे बिना अंधेरा पै जाए मारा थोड़े बिना कोई संग आसरा नहीं देता। स्वामी मित सिंह जी ने धीरज धराया कहिंदे पांडा दुनिया के राजे महाराजे तेरे चरणों में झुकया करनगे हर तीर सेखे रहेंगे ऐसे बरदान दिते स्वामी मित सिंह जी ने कहे जेड़े पासे जामेगा जय जयकारा होणगियां फुलां दी बरखा हो अंत समय अपने कंठ दे नाल लाके चरणा ते बसा के स्वामी दरबारा सिंह महाराज नूं स्वामी मित सिंह जी कह रहे थे भई चारे पासे हो जय जयकार पड़दा प्रेम कपाल ताही दसले अनमोल दे सदा गुरु करा दाख जाना खोल दे ओला खुशियां देखो बलार पंडता चारे पास होली जयकार पंडता अले चक्र मारा देती कुल सकती तेरी कीती सबे जन्म दी भगती ओले दे चारे पिया बार पंडता चारे पास होली जयकार पंडता चारे पासे हो ही जयकार
वचन करके स्वामी दरबारा सिंह जी गद्दी नसीब करके फिर दूसरे दिन मगर की मस्या वाले दिन सवेरे 10 बजे आप बकौंठ वासी हो गए। स्वामी दरबारा सिंह जी ने उन्हां दा अंतम संस्कार चंदन की चिखा विच विधि अनुसार किया। अखंड पाठ प्रकाश कराए, हवन दी आहुतियां वेद विधि अनुसार पाईया गईया। उन्हां दे अंगीठा साहब की सेवा स्वामी दरबारा सिंह जी ने संगत नाल मिलके करवाई। सहज स्वामी दरबारा सिंह जी ने अनेक रस्ते गुरुद्वारे गौशाला बौलियां गरीबा वास्ते खेत्र और होर मनुखता दे भले लई करोड़ा कर्म कीते। कई लिखारिया ने औरत नूं पैर दी जुत्ती लिखा है। धन गुरु नानक साहिब दे हुक्म अनुसार हो गया मंदा आखी है जित जमे राजा। स्वामी दरबारा सिंह जी ने बीए अते वीएड काज कन्या वास्ते खोलिया। इंग्लैंड अमरीका कनेडा आदि देशों में जाके लोगों को गुरु चरणों नाल जोड़िया। चोला छड़न तो 4 साल पहला वो रस्म की जिहड़ी कृष्ण ने धर्म पुत्र युधिष्ठिर नाल की थी। महाराज ने सरपंच जोरा सिंह कोल बुलाया क्योंकि उस समय के मौजूदा सरपंच स्वामी जोरा सिंह सी। महाराज के भगवी गैसी सज रही थी, पावन शीश पर बदराना सज रही सन। सरपंच जोरा सिंह सचखंड जान तो 4 साल पहला यह कहा कि सरपंच साडा इस जगह से अगिठा है। जब ऐसे बजन सुने स्वामी जोरा सिंह ने दराग क्यों भरिया। ऐसे सुने या बचन कर देव कोरो क्षमा शाम पर सुन दो नैन लगे हुंदा बुरा बजोग दल जानिया का जानिया फरे दिलां दे टैन लगे सत बांग दिलों दलगीर हो गए। जदों कृष्ण नाम नारायण लगे दरबारा सिंह गुरु दे चन फर के जोरा सिंह बराग बच कहण लगे। स्वामी जोरा सिंह ने क्यों नेत्र भर ले जिमें रामदेव लोग भक्त ने नेत्र भरे, जिमें कृष्ण जी के जंगलों में छाल मार पिछों बलभद्र ने नेत्र भरे। त्रिप त्रिप हंजू मोतियां वर्गे आंसू वगदे वेखे स्वामी जी ने अपने छोटे वीर का धीर जतराया ते कहा सरपंच तो व्यक्त वाचना ही ठीक। स्वामी दरबारा सिंह जी स्वामी जोरा सिंह जी महाराज ने अंगीठा रचन की ब्याह क्यों रखते। अंगीठा रच दी एथे बनजो मंदर दरबार, अंगीठा रच दी एथे बनजो मंदर दरबार, अंगीठा रच दी किसे नोजेगा कौतका छाया ऐसी बात नियारा बोले स्वामी नो बुलाया हस के कहते कहते कारवा दगार मीठा रचती एथे बनजो मंदर दरबार मीठा रचती दूरी मार प्यार थानी जग दिस खाकी सर सर गिर बधार फेरे चार धार बाकी उत्तम थादे थादे करती मेरा सरकार मीठा रचती एथे बनजो मंदर दरबार मीठा रचती तारने हजारा आऊ संग से बेओर जैसे हासा दी अटारा ए दरबार जो बन जो एक जना भगवती द्वार मीठा रचती एथे बन जो बंदर दरबार मीठा रचती ओ जीन हो दर नाम दीती कदे उतरू न रंग उतारू तेरे चरना गंग एथे आजू आजू सारा जैन हरिद्वार मीठा रचती एथे बनजू मंदर दरबार मीठा रचती मीठा चरना दे विच फुटे नेत्रा च नीरा रोवे भगत बचारा छड चले रघुवीर सांगा मारे हारे दिल नो हिजरां दा प्यार मीठा रचती
ਮੰਦਰ ਪਰਵਾਰ ਵੀ ਤਾਰਜ ਦੇ ਸੱਦ ਹੋ ਦਵਾਰਿਕਾ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਰੋਵੇ ਅਰਜਣਾ ਵਿਚਾਰਾ ਹੋਰ ਬਾਜੋ ਦੇ ਲਾਇਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸਹਾਰਾ ਦਰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੁਨੀਆ ਲੈ ਗਿਆ ਲੁੱਟ ਕੇ ਦਰਦਾਰ ਵੀ ਤਾਰਜ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬਣਜੂ ਮੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਤਾਰਜ ਦੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸਵਾਮੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰੇ ਸਵਾਮੀ ਜੁਗਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਲਗੀਰ ਹੋਏ ਸਵਾਮੀ ਜੁਗਰਾ ਸਿੰਘ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਰਪੰਚ ਗਮਨਾ ਕਰ, ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਸਾਲ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਵਾਮੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੌਤਾ ਕੀਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਕੈਦ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੋਕੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵੀਸ਼ਰ ਪੰਡਿਤ ਸੋਮਨਾਥ ਜੀ ਰੋਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਸਮੂਹ ਗੁਰਸੰਗਤ ਦਾ ਕੋਟਨ ਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਦਾਤ ਵਰਤੀ। ਆਗਿਆ ਜੋ ਭਾਈ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲਿਆਣਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੋਕੋ, ਦਾਸ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਲੱਖੇ ਦਾ ਜਥਾ ਕਿਵਾਂ ਮੰਗਦਾ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।